Let's wait uh, for more two to three minutes for more participants. Inshallah, then uh, we will start. क्स्ट so पार्टिसिपेंट्स uh, आएंगे तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट माई नेम इज इधर राशिद एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड इट्स बीन टू टू थ्री इयर्स डेट आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज इन दिस फील्ड तो आप में से कौन कौन है जो कि न्यू बीज हैं और कौन है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज का इनशाला हम जो है आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर मैसेजेस हम जो है इनशाला स्क्रेच से स्टार्ट करेंगे और फिर सबको इकट्ठे लेके चलेंगे इंटरमीडिएट तल्हा खान ओके ऑल राइट सो एस के बारे में आप एस से हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एस ई ओ एस ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. और अगर मैं इसके इसकी पोटेंशियल इस फील्ड के पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो इस फील्ड का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड 19 के बाद जो है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है हमारे पास बिजनेसिस में फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन और आगे जो है यही चीज चल रही है हर बंदा जो है अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करे और हर बंदे की आजकल जो है वो अपनी वेबसाइट है और जब वेबसाइट है और जब वेबसाइट है तो फिर एस एक्सपर्ट की जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा है छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती है छोटे छोटे क्लिप्स क्लिक्स पे जो है ना आपका काम हो रहा होता है एंड देन यू आर अर्निंग मैं अपनी जो है ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको शो हो रही है ऑल right. um लेट मी ओपन फाइवर अगर मैं यहां फाइवर पे जाऊं और यहां पर सर्च करूं जिस तरह मैं ये लिखा है मैंने और इसको सर्च किया है आप देख सकते हैं ये नीचे जाके जो है ये पी के आर में हो रहा है आप नीचे जाके यहाँ पर जिसको डॉलर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी जो है ना इसके अंदर चीजें सेल हो रही हैं इसको ओपन कर लें ये देखिए ये जो पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये है वन पेज ऑप्टिमाइज्ड ये बेसिक पैकेज इनका यहां से स्टार्ट हो रहा है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह कवर uh, करने वाले हैं मैं आपको दिखा देती हूं हमारी आउटलाइन कि जिस तरह हमने किस तरह इस चीज को जो है हमने अपने पूरे जो है इस बैच में लेके चलना है सो हेयर इज द आउटलाइन ये जिस जो आपकी आउटलाइन है उसको हमने एट सेशंस में इस तरह से डिवाइड किया ये चीजें हैं हम इनशाला कवर करने वाले हैं एंड इनशा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसके अलावा भी जो चीजें हैं ना एक्स्ट्रा चीजें वो आपको सिखा दूं छोटी छोटी टेक्निक्स टिप्स क्लाइंट को किस तरह से आपने हंट करना है ये सारी की सारी चीजें जो है ना इनशाला आपको सिखाऊंगी एंड हम वी आर गोइंग टू कवर लॉट इन दिस बैच इनशा और इसके बाद जो है मैं कोर्सेज अगर आपको जो प्रेफर करूं तो वो सबसे पहला जो है वो मैं प्रेफर करूंगी फ्री लांसिंग क्योंकि फ्री लांसिंग क्या है इज द ऑनलाइन सेलिंग ऑफ योर स्किल स्किल तो आपने सीख ली अब उसको किस तरह से सेल करना है उसकी जो टेक्निक्स टेक्निक वो आपको इस कोर्स के थ्रू जो है जो कैनस पे भी अवेलेबल है इस तरह जो है वो आपको पता चलेगा तो नंबर वन पे जो मेरा प्रेफर्ड कोर्स होगा वो फ्री लांसिंग होगा देन कॉन्टेंट राइटिंग आएगा मेरा उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट I hope it is uh, clear. Recording in progress. ना क्लास लेट मी शो यू माई पोर्टफोलियो के ये जब चीजें हम सब सीख लेंगे तो हमने काम जो है वो डिलीवर किस तरह करना है पोर्टफोलियो मीन के किस तरह हमारा बनेगा पोर्टफोलियो से आपको आइडिया होगा कि किस तरह काम जो है वो हमने करना है um, जहां पर कुछ ना समझ आए यू कैन राइट इन चैट बॉक्स ये देखिए ये है मेरा पोर्टफोलियो और ये सारी की सारी चीजें जो है हाँ, वो हम सीखने वाले हैं ये है कीवर्ड रिपोर्ट विल वी वी लर्न दिस विल वी लर्न वी दिस टू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट देन दिस इज द रिपोर्ट ऑफ ऑफ पेज एंड देन दिस इज द रैंकिंग ऑफ अ वेबसाइट ठीक है सो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसई एसई आखिर है क्या चीज ठीक है एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब मैं अगर यहां पे कुछ भी सर्च करू कोई भी चीज मैं यहाँ पे अगर सर्च करती हूँ ले हैंड बैग सर्च कर लेती हूँ जी आ, ये जरूर जो है इसकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी डोंट वरी आप बाद में भी देख सकते हैं मैं कोई भी चीज शेयर कर, सर्च करती हूँ हैंड बैग तो मेरे पास कितनी ज्यादा वेबसाइट्स ओपन होती हैं? आप देख सकते हैं लेदर हैंड बैग्स फॉर वुमेन लेडीज हैंड बैग्स शॉप विमेन हैंड बैग ये जो वेबसाइट्स हैं ये इस तरह टॉप पे नहीं आई ये इस तरह गूगल पे नहीं आई इसके पीछे बैक एंड पे बहुत ज्यादा काम है ठीक है इसके पीछे ऑन पेज हुई हुई है इसके पीछे ऑफ पेज हुई हुई है हम जैसे लोगों की मेहनत से ये वेबसाइट्स यहाँ पे अपीयर होती हैं याद रखिए वेबसाइट की जो ग्रोथ है उसके दो प्रोसेसेस हैं एक है ऑर्गेनिक एक तरीका होता है ऑर्गेनिकली ग्रो होने का एक होता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोसेस याद रखिए कि नेचुरल प्रोसेस है ये स्लो होता है जिसमें हम क्या करते हैं एसईओ करते हैं मीन्स ऑन पेज करते हैं ऑफ पेज करते हैं और जो हमारे पास दूसरा इनऑर्गेनिक वे है उसमें हम चलाते हैं एड्स ताकि हमारा जो टाइम है ना वो जरा स्पीड अप हो जाए हमारी जो वेबसाइट है वो जल्दी रैंक पर आ जाए और जो ऑन पेज के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं आप वन और टू वीक्स के अंदर ऑन पेज एस के पहले मुझे बताने दीजिए कि जो एसई है ना इसके दो एस्पेक्ट्स हैं ठीक है एसई इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ टू एस्पेक्ट लेट मी राइट ऑन दिस की अगर जो है किसी को ना समझ आ रही हो एसो टोटल दो चीजों से मिलकर बनी है एक होती है हमारे पास ऑन पेज एस सी ओ ठीक है एक होती है हमारे पास ऑफ पेज एस सी ओ ठीक है अब ऑन पेज एसई हमारे पास क्या है ये हम करते हैं गूगल अटेंशन के लिए गूगल अटेंशन के लिए सॉरी यानी कि हमने गूगल को बताना होता है कि अगर कोई बंदा कोई भी चीज सर्च कर रहा है तो इस चीज से रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पर है आपने ये ये चीजें शो करवानी है ये ये हमारा हमारी पोस्ट हैं और ऑन पेज एसू के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि हम इनशाला ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे अ वेरी डाइवर्स फील्ड इन डीड इट इज ऑफ पेज लिए होती है ट्रैफिक के लिए इसमें हम करते हैं लिंक बिल्डिंग लिंक बिल्डिंग क्या चीज होती है कि हमने हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स जो होती हैं गूगल के ऊपर वहां पर जाते हैं वहां पे अपना लिंक देते हैं जिस तरह ब्रोशर्स हम लोगों के घरों में नहीं फेंकते ताकि लोग हमारे पास आए इसी तरह हमने डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक देना होता है ताकि हमारे पास जो है वहां से ट्रैफिक आए और हम अर्न कर सकें ठीक है क्लास समझ आ रही है आपको चले ठीक है uh, तो जिस तरह की मैं बता रही थी एक वेबसाइट को ऊपर लाने के दोनों चीजें हम फॉलो करते हैं एक ऑर्गेनिक वे है जिसमें ऑन पेज और ऑफ पेज जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया वो आ जाती है एक होती है हमारे पास एड्स लगती हैं एड्स से थोड़ा सा काम जो है वो स्पीड अप हो जाता है अब ऑन पेज कितना टाइम लेती है हमारे पास ऑफ पेज कितना टाइम लेती है ऑन पेज के जो रिजल्ट है ना हम अपनी वेबसाइट पे फाइव टू सिक्स डेज के अंदर देख सकते हैं फाइव टू या सिक्स डेज के अंदर देख सकते हैं कभी टू वीक्स भी लग जाते हैं हमारे पास और ऑफ पेज एसू के रिजल्ट जो है ये लॉन्ग टर्म होते हैं यानी कि इसमें जरा ज्यादा टाइम लगता है इसके लिए हमें छह से नौ महीने जो है वो लग जाते हैं अब आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे होंगे लिंक बिल्डिंग समझा दें प्लीज लिंक बिल्डिंग का मतलब ये है कि हमने गूगल पे हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं ठीक है जो हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स है हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स मीन कि गूगल उन वेबसाइट्स को अच्छा समझता है कि हाँ भाई एक अच्छी वेबसाइट है वहां पे जाके हम ये करेंगे सारा प्रोसेस जब हम करेंगे तो इनशाला आपके पास ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे जाके हम अपना लिंक देते हैं किसका अपनी वेबसाइट का ताकि वहां से हमें ट्रैफिक आए क्योंकि गूगल जो है एक वेबसाइट को अच्छा समझ रहा है ठीक है तो वहां पे जो ट्रैफिक आ रही होगी वो सारी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे भी आएगी ये जब हम सारी चीजें करेंगे तो इनशाला आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो जो वेबसाइट्स है ना वो सारी गूगल से ही मिलनी है तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पास पड़ी हुई है वेबसाइट्स तो वो मैं आपको शेयर कर दूं ताकि आपके लिए जो है ना काम आसान हो जाए तो ऑफ पेज के अब जब आप क्लाइंट uh, को आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं एक मिनट के अंदर जो है ना आपकी वेबसाइट को टॉप पे ले आऊंगी दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है ना ऑर्गेनिक एस uh, है वो टाइम कंज्यूमिंग है टाइम ये लेती है और आप ज्यादा से ज्यादा कह दें कि मैं सिक्स मंथ के अंदर जो है ना आपकी वेबसाइट को ले आऊंगी लेकिन सिक्स मिनिमम है ना सिक्स टू नाइन मंथ्स लगते हैं ट्वेल्व मंथ्स भी लग जाते हैं एक वेबसाइट को ऑर्गेनिकली ग्रो होने में all right मैम लिंक बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं ये हम इंशाल्लाह सारा करेंगे ये मैंने आपको बताया ना ये ऑफ पेज एस का पार्ट है और एस जो है इन दो चीजों से मिलकर बनी है तो हम पहले इंशाल्लाह ऑन पेज करेंगे एंड देन हम फिर इंशाल्लाह ऑफ पेज एस करेंगे ओके okay. अब हम देख लेते हैं सबसे पहले हमने स्टार्ट जो है ऑन पेज से करना है ऑन पेज ऐसी मैंने आपको बताया गूगल अटेंशन के लिए होती है गूगल को अपनी वेबसाइट की तरफ अटेंटिव करवाना होता है कि ये 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 चीजें हमारे पास हैं हमारी पूरी वेबसाइट का है, इसके अंदर ये ये पोस्ट है अगर कोई बंदा कोई चीज सर्च करता है तो आप उसको हमारा जो है गूगल एक रोबोट है ना तो हमने उसको बताना है कि आप जो है हमारा ये जो कंटेंट है वो आप उस बंदे को शो करवाएं इसके अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती है जो कि हम करेंगे सबसे मेन बेसिक चीज जो है ना हम स्टार्ट लेने लगे हैं वो है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च। इंट्रोडक्शन टू हमारे पास हो गया सबसे पहले अब हम करने लगे हैं कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च। अब अ, मेरे दिल में अगर आया मैंने अपनी जो है ना एक वेबसाइट जो है वो बनाई अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस कीवर्ड कीवर्ड पर keyword क्या होता है जो भी मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ हैंड लेडीज हैंड ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको मैं गूगल पे टाइप कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ठीक है तो ये जो है हमारे पास सारे कीवर्ड्स हैं सबसे बेसिक काम जो है वो कीवर्ड रिसर्च है अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस कीवर्ड पे जो है आर्टिकल लिखू आर्टिकल लिख के तो इसको मैं अपनी जो है ना वेबसाइट पे पोस्ट करूं लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेगा रिसर्च हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है किस, किसी भी चीज को आप जो है रिसर्च के बगैर करेंगे तो वो सही नहीं जाएगी तो हमने ये देखना है कि वर्ड रिसर्च में कि, कि जो कीवर्ड मैं चूज करना चाह रही हूँ जिस कीवर्ड पे मैं लिखना चाह रही हूँ कि आया दूसरे लोग उसको सर्च कर रहे हैं अगर सर्च करें तो कितना सर्च कर रहे हैं जाहिर सी बात है जितना सर्च करेंगे उतना फिर जो है हमारे पास ट्रैफिक आएगी अगर कम लोग सर्च कर रहे हैं तो कम ट्रैफिक आएगी उस वर्ड पर अगर ज्यादा लोग सर्च करें ज्यादा ट्रैफिक आएगी और हमें ज्यादा बेनिफिट होगा हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं तो ये सारी चीजें देखनी है कि उसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं अगर उसके बाद अगर मैं इस कीवर्ड के साथ जाऊं एक स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ जाऊं तो मुझे कितनी देर लगेगी इस कीवर्ड को गूगल पे रैंक करने के लिए ठीक है जिस तरह की मैंने अभी आपको दिखाई थी अपना पोर्टफोलियो दिखाया था उसमें आपको निश बता देंगे टेक्नोलॉजी हो सकती है हेल्थ हो सकती है तो उस पर आपने अपनी की रिसर्च करके देंगे वो कैसे करनी है वो हम इन आज के लेक्चर में जो है वो कवर करने वाले अब उससे पहले जो है ना हम कर लेते हैं कीवर्ड्स की कुछ टाइप्स हैं और टाइप्स हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो इस किस्म की टर्म्स यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट शॉर्ट टेल की क्या बोल रही हूं कीवर्ड्स की एक है हमारे लॉन्ग टेल की वर्ड्स अब क्लाइंट्स जो है इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं तो हमें जो है इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है दैट व्हाट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एंड व्हाट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कीवर्ड रिसर्च किसका पार्ट है ऑन पेज एस का ठीक है um, और जो है ये जो हम चीज बात कर रहे हैं ना ये हम फिलहाल कर रहे हैं गूगल की ठीक है गूगल वेबसाइट्स की कर रहे हैं सोशल मीडिया उसकी चीज उसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे उसके लिए भी आ, कीवर्ड रिसर्च होती है उसको भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे फिलहाल स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मैं आपको बता रही हूँ ये वेबसाइट के लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जिस तरह के आपको अब इसके नाम से भी आइडिया हो सकता है

Ladies, shoulder, handbags under three hundred. क्योंकि अब ये लंबा हो गया तो ये लॉन्ग टेल की बन गया अब इन शॉर्ट टेल अब क्लाइंट आपको ये भी कह सकता है कि मुझे जो है ना शॉर्ट टेल की वर्ड ढूंढ दें मुझे जो जो है ना शॉर्ट टेल प्रोवाइड कर दे इस पर अब शो हमारे पास शॉर्ट टेल की और लॉन्ग टेल की की जो है ना कुछ टाइप्स है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर मैं कहूँ तो शॉर्ट टेल कीवर्स जो है ये हमारे पास बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है इस इनका कम्पिटिशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है तो और इनकी कन्वर्जन जो है वो बहुत कम होती है मीन्स इनकी जो सेल्स है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है और इस पे बहुत ज्यादा जो है ना कंटेंट हर वेबसाइट ने अपलोड किया होता है तो इसीलिए जब अगर आप शॉर्ट टेल की पर कोई चीज लिखते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है उस बर्ड को रैंक करने के लिए और कंपेरेटिवली ये जो लॉन्ग टेल की है ना ये स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि अब देखें वही बंदा ये टाइप करेगा कर जिसको जिसने ये लेना है तो ये स्पेसिफिक हो गया तो ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ये जरा स्पेसिफिक किस्म के होते हैं इनका कंपटीशन आपको कम मिलेगा कंपटीशन कम होने की वजह से इनकी कन्वर्जन ज्यादा होगी और इसमें आपको कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा तो आप जल्दी जो है ना इस कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं अह अगर मैं ये हो गई दो टाइप्स यहाँ तक सबको क्लियर है काइंडली मुझे जरा बताइए ऑलराइट फॉर योर रिस्पॉन्स अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इंफॉर्मेशनल की वर्ड्स ठीक है ये जो थे दो टाइप ये हमारे पास लेंथ की बेस पर थी keywords की वर्ड्स की लेंथ की बेस पर ये दो कैटेगरीज थी हमारे पास अब हमारे पास कीवर्ड की नेचर के ऊपर आ जाती है ठीक है नेचर पर हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो दो आ जाती है जिसमें हमारे पास एक है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स एंड हमारे पास है कमर्शियल देखें ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना इनका कंपैरेटिवली शॉर्ट टेल कीवर्ड्स से जो है ना कंपटीशन कम होगा लेकिन ये इसकी कन्वर्जन रेट ज्यादा है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को तब हम देख देख रहे हैं कंपेरेटिवली बात कर रही हूँ मैं ठीक है ऐसी बात नहीं है कि इन कीवर्ड्स की जो है ना आप अगर आप फाइवर पे जाएं सब आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स प्रोवाइड करें क्यों क्योंकि ये चीज जल्दी रैंक होती है ये वाले जो हमारे पास जल्दी रैंक होते हैं और इनकी जो है ना इनके कन्वर्जन रेट ज्यादा होते हैं और हमें बेनिफिट होता है सब लोग आपको प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टेल की लॉन्ग टेल कीवर्स तो खैर जो हमारी जो रिपोर्ट है ना वो मिक्सचर होनी चाहिए हर चीज बैलेंस के अंदर होनी चाहिए तो मैं ये बात कर रही थी कि नेचर की बेस पे हमारे पास ये दो चीजें आ जाती है इंफॉर्मेशनल की वर्ड्स एंड देन कमर्शियल यू कैन हैव एन अबाउट द नेम कन्वर्जन रेट मीन्स सेल्स इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स मीन वो कीवर्ड्स जो लोग टाइप करते हैं इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन जस्ट इन्फॉर्मेशन कमर्शियल की वर्ड्स वो की वर्ड होते हैं जो लोग टाइप करते हैं जब उनको कोई चीज परचेज करनी होती है जब उन्हें कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ जाते हैं यहाँ पे ठीक है और मैं यहाँ पे टाइप करूँ जिस तरह की मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी हैंड बैग या हेंड बैग से रिलेटेड में कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करूँ तो वो आ, मैं कर लेती हूँ यहाँ पेल्थ हेल्थ पर ले लेती हूँ इंफॉर्मेशनल की वर्ड है ना health benefits health benefits of updates ये मैं ले लेती ये मेरे पास क्या है informational keyword है क्योंकि मैं information लेना चाह रही हूं अ जी मैं ये जो है ना whatsapp ग्रुप में शेयर कर दूंगी डॉक्यूमेंट और इसके अलावा अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह गया ना तो वो मैं एट द एंड ऑफ द क्लास सारे एक दफा रीड करके जो है ना आंसर कर दूंगी ठीक है अगर किसी का कोई रह गया हो मेरी आ, मुझे नजर ना आया हो ऊपर चल, चला गया हो तो मैं इसके बाद जो है ना वो सारे के सारे आंसर करती हूँ आपको तो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेट्स जो है ना ये मेरे पास इन्फॉर्मेशनल की है क्यों क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ये देखिए हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डेट्स फॉर ब्रेन तो ब्रेन के लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ इसी तरह अगर मैं लिख दू शूज जस्ट इन्फॉर्मेशनल की वर्ड रनिंग शूज शूज फीचर्स एंड बेनिफिट तो ये क्या है मेरे पास इंफॉर्मेशनल की वर्ड है अगर मैं लिखू रनिंग शूज फॉर विमेन या फॉर मैन तो ये मेरे पास आ जाएगा कमर्शियल की वर्ड अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा दू अगर टेक्नोलॉजी पे चले जाए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल की वर्ड क्या होगा मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मेरे पास इंफॉर्मेशनल है अगर मैं लिख दू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड्रॉयड टीवी एंड्रॉय टीवी अंडर कितने का भी मुझे अंडर चाहिए वो मैं लिख दूं तो वो मेरा एक कमर्शियल की वर्ड है क्यों क्योंकि मेरी इंटेंशन है कि मैं एक चीज बाय करूँ तो ये जो है इंटेंट पे बेस करता है कि आपकी इंटेंट क्या है आपकी इंटेंशन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो वो कीवर्ड आपका इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड कीवर्ड बन जाएगा अगर आपकी इंटेंशन जो है कोई चीज परचेज करने के लिए आ, आ, कोई भी आप ले लें कोई भी आपको मेकअप प्रोडक्ट चाहिए आप ब्रांड का नाम लिखते हैं अंडर इतने या इस किस्म की कोई चीज जिस तरह मैंने अभी आपको ये बताया एंड्रॉयड टीवी अंडर थाउजेंड टेन थाउजेंड तो ये मेरी इंटेंशन क्या है कि मुझे चाहिए इसीलिए मैं सर्च कर रही हूँ कमर्शियल की है अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि मुझे टेन जो है वो इंफॉर्मेशनल की दे दें टेक्नोलॉजी की बेस पर और टेन जो है वो आप मुझे कमर्शियल की प्रोवाइड कर दें अब इससे जिस तरह के मेरे पास ये इसकी एक एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी की बेस पर क्लाइंट ने जो है डिफरेंट निशीज बता दी और फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस पर थोड़े से जो है इंफॉर्मेशनल की प्रोवाइड कर दें और थोड़े से कमर्शियल कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दें जिस तरह के ये है टेक न्यूज फ्यूचर टेक ये सारे के सारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं अगर मैं यहाँ पे ये स्मार्टफोन्स आ गए एंड्रॉयड टीवी आ गए ये मेरे पास आ गए कमर्शियल की वर्ड्स क्लाइंट्स को आ, जो है आपने कीवर्ड रिपोर्ट इस तरह से प्रॉपर जो है तैयार कर देनी है जिस तरह के मैंने अभी अभी आपको दिखाई है और कीवर्ड की बेस पर कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने किस कीवर्ड पर जाना है किस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखवाना है और क्लाइंट्स को भी इसीलिए चाहिए होता है कि उनको एक उनके पास देखिए ना इस तरह पूरी रिपोर्ट आ जाती है इसमें से वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस कीवर्ड के लिए जाना है हमें किस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखवाना है यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बताएं फिर हम कीवर्ड रिसर्च जो है जिस तरह वो स्टार्ट करते हैं अब क्लाइंट ने उसका उसने जो है वो आर्टिकल लिखवाना है अब सब सबसे पहले काम वो क्या करेगा वो कहेगा कि मुझे वो एक कीवर्ड रिपोर्ट बनवाएगा किसके ऊपर लिखवा ला कीवर्ड अच्छे होंगे तो सब पे मीन के एक वेबसाइट पर काफी ज्यादा आर्टिकल होते हैं काफी ज्यादा पोस्ट होती है तो वो इन पे एक, -एक करके आर्टिकल लिखवाना शुरू करेगा एंड देन वो उसको पोस्ट करेगा पोस्ट भी आपने एस सी यू ऑप्टिमाइज करनी उसके लिए भी उसको एस एक्सपर्ट की जरूरत है ऑप्टिमाइज करने के बाद सारा का सारा जो उसमें है कंटेंट uh, अपनी वेबसाइट पे सही तरह से कि गूगल उसको समझ सके ठीक है ना उसके बाद वो आएगा ऑफ पेज पे फिर वो अपनी ऑफ पेज के थ्रू अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आएगा uh... अब हम कर लेते हैं रिसर्च कि कीवर्ड रिसर्च हमने आखिर करनी किस तरह है? ये सारी के सारी रिपोर्ट्स हमने बनानी किस तरह है? हमारे पास मार्केट में बहुत ज्यादा टूल्स बहुत ज्यादा टूल्स हैं एसओ टूल्स बहुत ज्यादा कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स हैं लेकिन उसमें से कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं अब स्टूडेंट्स शुरू में जो है वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते ऑब्वियसली क्योंकि स्टार्ट में अर्न तो कुछ किया होता नहीं है तो कोई भी टूल जो है वो हम बाय नहीं करते आ, फिर हम क्या करते हैं हम फ्री टूल्स के साथ काम करते फ्री टूल्स जो है वो आ, ये बात नहीं है कि वो ऑथेंटिक नहीं होते गूगल का टूल है गूगल की वर्ड प्लानर ठीक है ऑथेंटिक टूल है अब जब हम फ्री काम कर रहे हैं ना तो हम दो तीन चीजों को मिक्स करके हमारे पास हम उसको जो है ना उससे एक अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं अब हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं टूल है हमारे पास है ह्रेफ तो, 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 तो टोटली पेड है जो है वो आपको थोड़ी सी ट्रायल्स देगा स्टार्ट में एंड देन फिर वो वो भी पेड हो जाएगा और उबर सजेस्ट है उबर सजेस्ट भी आपको फर्स्ट थ्री जो ट्रायल्स है वो फ्री में देता है एंड देन वो फिर पेड है डेली की थ्री ट्रायल्स जो है ना उबर सजेस्ट की वो फ्री होती है फिर Uh, हम उसके लिए क्या करते हैं उबर से जस्ट एक्सटेंशन कर लेते हैं अब कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट कीवर्ड्स कीवर्ड्स हमने फाइंड किस तरह से करने हैं कीवर्ड के लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए जो एक फ्री टूल है जिसके जिसके साथ हम जाएंगे जो ऑथेंटिक भी हो और वो गूगल का अपना है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर उसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले हमें वहां पे लॉग इन होना होगा अब आ, क्या होता है कि चूंकि अब हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे पास एक पूरा सेटअप है हमारे पास वो जो है आ, टूल है वो ऑलरेडी कन्फिगर हुआ हुआ अब जब स्टूडेंट्स बनाते हैं वो एक नई आईडी से वो बिल्कुल स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं है तो क्या होता है वो आ, कहते हैं कि हम आपके पास जो चीज शो हो रही है वो हमारे पास शो नहीं हो रही तो वो यही चीज होती है कि उसको पहले कन्फिगर करना पड़ता है उसकी कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है तो हम स्टार्ट से ही स्टार्ट uh, लेते हैं बिल्कुल एक नई आईडी से ताकि मे, मेरे पास भी वही चीज़ शो हो जो आपके पास फर्स्ट टाइम शो होगी और इस तरह जो है किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए सबसे पहले हम जाते हैं गूगल एड्स पे ठीक है गूगल एड्स पे आ जाने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट नाउ पे ठीक है ये अभी हम जो है ना लॉग इन कर रहे हैं जिसे कहते हैं इनिशियल स्टेप्स टूल्स को यूज करने के लिए वो हम कर रहे हैं यहाँ तक क्लियर है आप सबको ऑल राइट गूगल एड्स पे गए हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया अब यहाँ पे जो है आपके पास एक ही आईडी होगी मेरे पास मल्टीपल आईडीज़ हैं, तो मैं उस आईडीज़ पे जा रही हूँ जो नहीं हुआ हुआ ताकि मेरा और आपका काम जो है वो सेम हो जाए और हम एक साथ चलें, ठीक है ये वो आपने अपनी उस आईडी पे से ना लॉग इन कर लिया यहाँ पे आपने जाना है न्यू गूगल एड्स अकाउंट ठीक है फिर भी इनकेस अगर आपके पास कोई ऐसी चीज शो हो जाती है जो मेरे पास नहीं हो रही और आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे ठीक है, है ये जो चीज है ना इसको छोड़ के आपने ये आपको नजर आ रहा होगा स्विच टू तो एक्सपर्ट मोड इस पर आपने क्लिक कर देना इस चीज पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे आना है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ उस उसपे क्लिक करने के बाद आपने इसको जो है फिल करना है ये बस आ, बिलिंग कंट्री पाकिस्तान टाइम्स ऑन पाकिस्तान का ही रहने दे इसको आप यूएसडी में कर ले क्योंकि वो देखने में जो है वो आसानी हो जाती है यहां से आपने ना इसको कर लेना है और ये हो जाएगा ये अभी थोड़ा मेरा जो सिस्टम है ना इस तरह काम कर रहा है आपने इसको यूएसडी पे कन्वर्ट कर लेना ठीक है, है इसके बाद आपने इसको यहाँ से यस yes पे करना है उसके बाद आप इसको जो है ना सबमिट करते हैं यहाँ पे आ जाएगा कांग्रेस यू आर ऑल डन तो एक्सप्लोर योर अकाउंट पे चले जाइए ओके थैंक यू वेरी मच फरा पर मैंने कहा टाइम वेस्ट ना हो तो फिर मैंने आपको बता दी ठीक है ये अब अब ये आपका जो है ना गूगल एक दफा जब आप कर लेंगे ना तो आपको वो सारे के सारे स्टेप्स दोबारा नहीं करने पड़ेंगे अब जब भी आप कभी ओपन करेंगे तो आपके पास ये चीज आएगी और अब ये जो है हमारे पास टूल रेडी है कि हम अपनी इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च कर सके ऑल राइट अब आपने यहां से कर, जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में टूल्स एंड सेटिंग्स में गए ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड प्लानर यहां पे आपने चले जाना है यहां पे आपने चले जाना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर ये आपके पास रेडी है ठीक है अब यहां से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं अब पाकिस्तान का क्लाइंट है पाकिस्तान उसने कहा है जी कि मुझे इस निश पर आप इतने की इतने कमर्शियल या इतने इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स की रिसर्च कर दें और टारगेट लोकेशन मेरी पाकिस्तान है या टारगेट लोकेशन मेरी जो है वो यूएस है यहां से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं यूएस कंट्री सिलेक्ट कर लें जो भी आपकी टारगेट लोकेशन है आपने ये जो चीजें ना पहले क्लाइंट से पूछ लेनी है ये चीजें पूछने वाली है और जो अंडरस्टूड चीजें हैं वो भी हम देखते हैं कि जो पूछने वाली नहीं है वो हमारा वो हमारा काम है एज एन एस एस एक्सपर्ट हमें पता है कि ये चीज इस तरह होती है ये चीज आपने लोकेशन पूछ ली ये दो दो कंट्रीज जो है ना वो सिलेक्ट हो गए पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स एक को कट कर दें और अगर आप वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं तो आप इन सबको कट कट कर देंगे यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो वो वर्ल्ड वाइड पे सेट हो जाएगा अब यहाँ पे कर लें इसको सेव कर लें ये हमारे पास हो गई लोकेशन सेट यहाँ पे अब आप एंटर कर दें अपना कीवर्ड जिससे रिलेटेड आप मजीद आइडियाज जानना चाहते हैं जिस कीवर्ड का आप कंपटीशन एवरेज सर्च वॉल्यूम जानना चाहते हैं अब मैं यही कर लेती हूं लेडीज हैंड बैग यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे ये उसने सारी की सारी रिपोर्ट दे दी थी, ठीक है अब उसने एवरेज मंथली सर्चेज भी बता दी कि एवरेज एक मंथ में कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं इसको वन के से टेन के के लोग सर्च कर रहे हैं कंपटीशन उसने बता दिया हमारे पास लो हाई इसका कंपटीशन। यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं फिल्टर मीन्स अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे कंपटीशन जो है वो सिर्फ लो का चाहिए मैचेस एनी मुझे लो और मीडियम कंपटीशन के की वर्ड चाहिए मुझे हाई पर नहीं जाना तो आप इसको यहाँ से अप्लाई कर दें तो अब आपको वो दिखाएगा जो लो है इसी तरह आप यहाँ पे ये देखिए ये मजीद जो है उन्होंने आपको वो दे दिए हैं आइडियाज लग्जरी हैंड बैग इसको भी यहाँ पे क्लिक कर लें डेट रिजल्ट क्लिक करें आपको जो है सारे के सारे आ, मिल जाएंगे इसको मजीद कर लीजिए इस तरह आपको निकलते जाएंगे अगर मैं इसको हटा दूं तो सारे के सारे जो है मिक्स आ जाएंगे लो हाई ये चूंकि पहले मैंने के आर में सेट नहीं किया तो ये मुझे यहां पी के आर में टॉप ऑफ पेज बिट टॉप ऑफ पेज बिट एंड टॉप ऑफ हाई बिट ये क्या है ये है कम से कम इस चीज की आपको जरूरत कब पड़ती है जब आप एड्स लगा रहे होते हैं क्योंकि जब ये एक बेसिक स्टेप है जैसे कि मैंने आपको बताया अब बेसिक स्टेप को आपने आगे की सारी चीजों को देखते हुए चलना है एक आपने की अगर लिखना ही है ना उसके ऊपर आपने कंप्लीट रिसर्च करनी है कि इसमें मुझे कंपटीशन कितना फेस करना पड़ रहा है इन फ्यूचर जब मैं इसके ऊपर एड्स चलाऊंगी तो मुझे कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं इस इट मींस कम से कम इतने पैसे इतने जो है हमारी कॉस्ट आ सकती है एड पे टॉप ऑफ पेज पे हाई रेंज मीन ज्यादा से ज्यादा इतनी जो है हमारे पास कॉस्ट आ सकती है एड्स की सारी की सारी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद फिर हमने जो ना, wisely है ना वाइजली अपना कॉन्टेंट लिखवाना शुरू करना है एंड देन उसको पोस्ट करना शुरू करना है अब मैंने जिस तरह क्या आपको यहाँ दिखाया था ये ये चीज कीवर्ड्स एवरेज सर्च वॉल्यूम इसमें से हमने ढूंढ ढूंढ के लिखने है. कंपिटिशन कम्पिटिशन वो वाले होंगे जिनका कॉम्पिटिशन लो होगा ज्यादा कोशिश करें कि आपको लो कॉम्पिटिशन वाले मिले और जो है ना थोड़े बहुत मीडियम वाले आ जाए लेकिन हाई की तरफ ना जाइए अब हमारे पास आ जाती है एस डी एंड सी पी सी एस डी हमारे पास क्या होती है एस सी ओ डिफिकल्टी मीन्स की अगर हम ये वाला की वर्ड चूज करते हैं ना तो इसकी एस सी ओ में हमें कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है इसकी एस करते हुए हमें कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है और इसको रैंक करवाना कितना मुश्किल है ये कितनी होनी चाहिए ये आपकी फोर्टी से कम होनी चाहिए फोर्टी या फिफ्टी इसकी रेंज में बस इससे फोर्टी फिफ्टी से तो आगे जानी ही नहीं चाहिए आपकी जो है ना एस क्योंकि एस जितनी आगे जाती जाएगी इट मीन्स आपका कंपटीशन और ज्यादा हाई होता जा रहा है आपके लिए उस कीवर्ड को रैंक करवाना मुश्किल होता जा रहा है तो कोशिश करनी आपने कि ये बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है कि फोर्टी फाइव से कम रहे नहीं तो फोर्टी से फिफ्टी के दरमियान बस चलेगी फिफ्टी से आपने बिल्कुल भी जो है ऊपर नहीं जाना कोशिश करनी है जितनी कम से कम जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं ये आ सारी कम है फोर्टी एट फिफ्टीन सिक्सटी फोर्टी नाइन फिफ्टी थ्री बस ये थोड़ी सी हाई हो गई है और इसका आप देख लें कॉम्पिटिशन भी मीडियम है नाइनटीन फोर्टी सिक्स देखिए अगर कंपटीशन आपका हाई होगा ना इट मींस आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका कीवर्ड देर से रैंक होगा uh, सब हम कुछ सिलेक्ट करते हैं uh, क्या मतलब क्या पूछ रहे हैं आप कहेंगे इसको क्लियर कीजिए सीपीसी मींस कॉस्ट पर क्लिक इसका मतलब ये है कि एक बंदा मीन्स के जब हम एड चला रहे हैं तो वह एक बंदा जो उस एड को क्लिक करेगा तो उसके लिए हमें कितनी पे पड़ सकते कितनी जो है ना कॉस्ट हमारी पड़ पड़ती है या तो आप सीपीसी दे दें दे, या आप जिस तरह मैंने आपको बताया था टॉप ऑफ पेज बेड लो रेंज और हाई रेंज दे दें दे। जिस तरह की यहाँ पे ही आप देख सकते हैं ठीक है या तो ये दे दीजिए या सीपीसी क्योंकि इसका आइडिया हम सीपीसी भी सी पी सी से भी लगा सकते हैं इससे या ये दे दीजिए या वो दोनों चीजें दे दीजिए इससे जो है क्लाइंट को आइडिया हो जाता है अच्छा मेरा जो है ना मेरा बजट इतना है तो इस की के साथ मुझे इतनी कॉस्ट पड़ सकती है फिर वो डिसाइड कर लेता है अब जिस तरह के यहाँ पे आ गए हैं ये देखिए हमारे पास लोगों का भी एक गुजरा था ये था ये विमेन हैंड बैग ठीक है ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है क्योंकि इसका अब जब आपने देखना है कीवर्ड्स कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च करनी है सबसे पहले आपने की कौन सा वाला लेना है जिसका थोड़ा बहुत एवरेज सर्च वॉल्यूम हो हो ठीक है बिल्कुल ही ये ना कि से लेकर हंड्रेड तक के लोग उसको सर्च कर रहे हो फिर उसका हमें फायदा क्या होगा जब इतने कम लोग सर्च कर रहे हैं तो इतनी कम इट मींस वो हमारे पास आ रही है ट्रैफिक थोड़ा सा तो हो ना मीन्स वन के से टेन के या आप कर लें हंड्रेड से वन के हंड्रेड से वन के मिनिमम इतना चलता है इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं हंड्रेड से वन के भी ठीक है बाकी जितना ज्यादा और ये एक ऑब्वियस सी बात है जितना हमारे पास एवरेज मथलीस आगे जाते जाएंगे हमारा कंपटीशन उतना ही हाई होता जाएगा तो ये बड़ी वाइजली जो आपने रिसर्च करनी जिस तरह की ये वन के से टेन के ये है। इसका वॉल्यूम जो है इसका जो कम्पिटिशन है वो लो है लो होने की वजह से उन्होंने ये चीज इनको नहीं मिली इन्होंने नहीं लिखी लेकिन हमने टेंशन नहीं लेनी हमने अपनी की वर्ड रिप, रिपोर्ट जो है वो कम्पलीट करनी है उसके लिए हम जाएंगे पर मैं चली जाती हूँ यहाँ पे ऊबर सजेस्ट उबर सजेस्ट जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो है आ, हमारे पास एक free to, free, नहीं है ये सिर्फ थ्री ट्रायल आपको फ्री में देगा जिस तरह हम जाके चेक कर लेते हैं लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है ना ये हमें ज्यादा देती है कि ज्यादा ऑप्शन ज्यादा चांसेस देती है कि हम सर्च कर सकें जिस तरह ये हमें एक दिन में चालीस जो है ना रिजल्ट सर्च करने की परमिशन देती है ये कीवर्ड वर्ड ऊबर सजेस्ट एक्सटेंशन जो है ये यह यहाँ पे हुई हुई है यहाँ से हम देखेंगे एस और यहाँ से हम देखेंगे सीपीसी इस तरह हम करेंगे अपनी रिपोर्ट कंप्लीट इन केस हम कोई टूल बाय नहीं करते अगर हम कोई टूल बाय कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा लेकिन स्टार्ट में स्टूडेंट्स इन्वेस्ट नहीं करते मैंने भी नहीं किया था इसी तरह जो है वो कीवर्ड रिपोर्ट तैयार की थी अः जिस तरह मैं मैं आपको बता रही थी ऊबर सजेस्ट पे चले जाते हैं ये सिर्फ थ्री टूल्स जो है वो आपको देगा फ्री उसके बाद हम इसकी एक्सटेंशन को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं ऊबर से जस्ट और एडवर्ड uh, प्लानर इन दोनों चीजों को एस टी एस टी जो है मीन एस सी ओ डिफिकल्टी इस की वर्ड को कीवर्ड की एस सी यू करते हुए हमें कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी इस की वर्ड की एस सी यू करते हुए इसको पेज पे टॉप करवाने में कितनी डिफिकल्टी फेस हमें करनी पड़ेगी ये चीज हमें बताती है एस टी और ये जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा एस टी कम है इट मीन एस सी डिफिकल्टी कम है इस कीवर्ड की डिफिकल्टी कम है हम इस कीवर्ड को जल्दी रैंक कर सकते हैं कम टाइम में थोड़े कम टाइम में हम इसको रैंक कर सकते हैं एस टी ज्यादा होगी एस टी ज्यादा होगी इसका मतलब के हमें बहुत ज्यादा जो है ना आगे कम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है और हमारा जो कीवर्ड है एक अच्छा खासा टाइम लेने वाला है गूगल uh, पर रैंक करने के लिए यहां तक क्लियर है काइंडली सब मुझे बताइए चलें ठीक चले, है एस डी कैसे पता चलती है मैं आपको बता रही हूँ ठीक है ऊबर सजेस्ट से पहले मैं आपको उबर सजेस्ट का जो है इंटरफेस बता रही हूँ uh, क्योंकि ये हमें जो है फ्री ट्रायल सिर्फ तीन देते हैं तीन से तो हमारा गुजारा नहीं होने वाला रिसर्च मीन प्रॉपर रिसर्च रिसर्च हमें काफी अच्छी तरह से करके करके फाइंड जो है ना रिपोर्ट बनानी होती है वाइजली इस तरह नहीं हम कर सकते कि पूरी जो है एक उसने हमें रिजल्ट शो किया तो हमने उसको पूरा पूरा का पूरा कॉपी किया एक्सेल पे पेस्ट किया और क्लाइंट को सही कर दिया तो इसमें रिसर्च तो कोई नहीं ना हुई हमने उसके अंदर से अच्छे अच्छे की वर्ड्स उठाने प्रॉफिटेबल की वर्ड उठाने यहाँ पे अब वही लोकेशन सेट कर सकते हैं जो अभी आपको जो है ना लोकेशन टारगेट लोकेशन अब यहाँ पे आप जो है डोमेन और कीवर्ड कीवर्ड आप ऐड कर लें कोई भी अपना मैं एक एग्जांपल के साथ चल रही हूं मैं वही कर लेती हूँ हां जी मैं आपको बताऊंगी डोंट वरी ये मैं आपको पहले इंटरफेस बता दूं इसके बाद उबर सजेस्ट की एक्सटेंशन की तरफ आते हैं ये हमारे पास जो है योन हो गया। Uber सजेस्ट के अलावा मैंने आपको गूगल एडवर्ट प्लानर बताया है। इसके अलावा हम और भी थोड़े से जो जो हमें एक, आ, कोई भी टूल हमें जितनी जितनी फ्री ट्रायल देता है ना हम उसका इंटरफेस चेक कर लेंगे ताकि इनकेस अगर हम फ्यूचर में वो बाय करें तो आपको पता हो ठीक है ना कि आपने इसको यूज किस तरह से करना है ये चीज है ये जो है ये देख रहे आपने

एड पर, पर क्लिक आपको इतना पड़ सकता है ये इसने मजीद नीचे सारे सारे इस किस्म की जो है वो नेचर ही, इस किसका कंपटीशन जो है आप हाई ही निकल रहा है लेकिन लोग के भी होते हैं आप सर्च करेंगे जिस तरह के मैंने आपको अभी दिखाई है सारी की सारी यहीं से बनाई गई है ये कहीं किसी और टूल से यूज करके नहीं बनाई गई ये जो इसके अलावा मैंने आपको एक और दिखाई थी ये ये सारी इन दो चीजों को यूज करते हुए थी है, है? Well, तो सारी -सारी आपको दो टूल्स अभी बताए हैं जिस तरह उनको यूज करते हुए बनाने की उसी तरह की गई है सारा का सारा काम ठीक है कोई ऐसी चीज बताई नहीं जा रही कि जो पर प्रैक, प्रैक्टिस ना की गई हो कहां पर थी मैं यस yes, ये हम कर रहे थे ठीक है अब हम कर लेते हैं ये तो हमें तीन दे देगा ना तीन के बाद ये कहेगा जी बस आपका काम खत्म आपका टाइम खत्म हो गया बस पे करें आप मुझे अब उसको कैसे कर दे जब तक हमारे पास नहीं आए पैसे अब हमने क्या करना है उबर से जस्ट एक्सटेंशन लिखनी है जिससे हमारा काम हो जाएगा ये सामने मैंने ऑन की हुई है उसको मैं कर देती हूँ ऑफ बल्कि मुझे इसे यहां से रिमूव करनी पड़ेगी यहाँ पे आप जाए ठीक है इसको ऑन कर लेते हैं आप जरूरी नहीं है अगर ये थर्ड पे अभी शो हो रही है तो अब ये थोड़ी नीचे भी जा सकती है ऊपर भी शो हो जाती है हम देखते हैं ना कि किसमें हमें एक्सटेंशन का जो है वो ऑप्शन मिलता है क्योंकि चीजें आगे पीछे होती रहती हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी बस उस चीज को ढूंढ लेना है जिसको हमने जो हमें चाहिए यहाँ पे आके आपने इसको एड टू क्रोम कर लेना बस तो आपकी जो है वो एड हो जाएगी मेरे पास ऑलरेडी एड है इसको इसको पीछे कर लेते इसको भी चेक कर लेते लेते हैं हैं ये भी चेक इसमें क्या है ये देखें ये वाली जो है ना यहाँ पे अब आपके पास नहीं आएगी तो यहां पे आएगा एड टू क्रोम जो पिछली वाली थी वो किसी और पर्पज के लिए थी वेबसाइट इसीलिए मैंने दूसरी वेबसाइट ऑन की जो 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 कि फर्स्ट फर्स्ट मोस्ट जो फर्स पे है ना वो अपियर हुई है अब मेरे मेरे पास पास ऑलरेडी है है तो ऑप्शन आ रहा रिमूव फ्रॉम क्रोम का ठीक है कर, अब आपके पास नहीं होगी तो आपके पास यहाँ पे आएगा एड टू क्रोम तो आपने उससे क्लिक करना है वो हमारे पास आ जाएगी एड हो जाएगी ठीक है जब हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से शो होने लग जाएगी जैसे मेरे पास हो रही है ये देखिए मैंने अभी अभी आपके सामने इसको ऑफ किया था ये ऑफ होगी फिर आपने इसको ऐसे ऑन कर लेना है और जो भी चीज आप सर्च करेंगे आपको सारा का सारा जो है वो दे रही है और इसके ट्रायल्स आपके पास ज्यादा है मीन की ये दिन में फोर्टी जो है ना वो सर्च देता है इससे हमारा काम हो जाता है इससे आपको सी सी भी पता चल जाएगी इससे आपको एस भी पता चल जाएगी ये तो उबर सजेस्ट की दे रहे ना आप यहाँ पे आप अपना जो है डिजायर्ड की टाइप कर ले जिस तरह ये देखें ये एस टी पी आ गई ये सीपीसी पी पी आ गई यहां से आपको जो है कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं ये पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान ही रहने देते हैं जो भी आपकी होगी अब इस पे आपको फोर्टी टू वाली एस टी का भी मिल रहा है एंड देन फिफ्टी सेवन का ये फिफ्टी का ये आप ले सकते हैं जब आप इसको सर्च करेंगे ना तो ये आपको अच्छी खासी जो है ना चीज मिल जाएगी आप कुछ और सर्च कर लीजिए यहाँ पे वो कर लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लीजिए ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्लस वॉल्यूम इतना है सीपीसी अच्छा ये एस टी देखिये एटीन ये एक अच्छा कीवर्ड है इसके साथ हम जा सकते हैं इसको आप कॉपी करें अपने पास एक्सेल में जो है ना वो कर लें इसको मैं करती हूँ यहाँ से कॉपी यहाँ से दोबारा से एक एक्सेल जो है उसको ऑन करते हैं अब इसको आप अपने हिसाब से मोडिफाई कर लें ठीक है इसको इस तरह कर लें थोड़ा बड़ा कर लें यहाँ पे लिख दें। रिपोर्ट। अब की आप जो है ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें एक प्यारी सी जो है ना रिपोर्ट बना ले कलर्स वगैरह ऐड कर लें फ़ॉन्ट साइज का बड़ा कर लें उसके बाद यहाँ पे जो चीज मैंने कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया ठीक है यहां पे आप लिख लें एवरेज मंथली सर्चेज यहां पे लिख लें आप एवरेज मंथली सर्चेस के बाद हमारे पास कंपटीशन आ जाता है कंपटीशन के बाद हमारे पास आ जाता है एसटी जिसको हम एस डिफिकल्टी कहते हैं फिर आ जाता है हमारे पास सीपीसी सी अब यहां पे आपने जो है जिस तरह मैंने आपको बताया था यहां पे आए ये चीज कॉपी की आप इसका वॉल्यूम कॉपी करें वॉल्यूम यहाँ पे पेस्ट कर दें आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं या, जो है मैं आपको कि जो वॉल्यूम है ना वो आप लें गूगल एडवर्ट प्लेनर से क्योंकि वो आपको इस तरह से रेंज में बताएगा वन के से टेन के तो इट साउंड्स मोर सेटिस्फाइंग ठीक है तो आपने वहां से वो पकड़ लेनी है यहां से आपने ये चीज पकड़ी यहाँ पे आप सी सी कॉपी करें

आपको सैंपल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है अब तक क्लियर है। सीपीसी मैंने आपको बताया कि जब एड्स चलती है ये जो है ना एड रनर का काम होता है फिलहाल हम इस कोर्स में जो है एड नहीं चलाना सीखने वाले जब एड चल रही है तो वो देखेगा कि एक बंदा जब इसको क्लिक कर रहा है मतलब एक बंदा जब इस पे क्लिक कर रहा है तो मुझे इतने पैसे इतनी जो है ना कॉस्ट पड़ेगी ज्यादा बंदा क्लिक करेंगे तो हमारी ज्यादा कॉस्ट पड़ती जाएगी यानी जितने जो हमारे पास है एवरेज मंथली सर्चेज के हिसाब से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं मींस के ज्यादा लोग उस एड पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी कॉस्ट बढ़ेगी जाहिर सी बात है सारी चीजें एक साथ बढ़ रही हैं एवरेज मंथली सर्चेस बढ़ रहा है आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा आपकी एसडी भी पड़ेगी आपकी सी सी भी बढ़ेगी लेकिन जो है ना रिकमेंड है कि जरा इस तरह से स्टार्ट नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया हंड्रेड से वन के ठीक है इत आपको जो है ना एक अच्छी ट्रैफिक आ सकती है उसका जो है उसके उसका कंपटीशन भी लो होगा मतलब के, जो है ना रेंज में होगा एवरेज होगा फिर अः जिस तरह की आप देख सकते हैं उसकी एस भी ठीक होगी और सी सी भी ये आपने रिसर्च करके जो है वो आपने एक रिपोर्ट तैयार कर लेनी है और फिर वो क्लाइंट को सेंड कर देनी है Post आपने मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ लिख देना बाकी उसका काम है आपने बस एक रिपोर्ट तैयार देनी है बाकी उसने ही पे करना है क्लाइंट ने आपने कुछ नहीं करना आपने इस कीवर्ड को तैयार करने के जो ना वो पैसे ले लेंगे क्लास का जो टाइम है वो हो गया ओवर अब आपके जितने भी क्वेश्चन है ना अगर कुछ रह गए कुछ क्लियर नहीं हुए तो शाह उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो बना दिया जाएगा जो कि बना हुई है उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है यू आर ऑलवेज वेलकम ठीक है हाँ जी असाइनमेंट आपने अच्छी बात मुझे याद करा दी अब कोई भी आपकी निश है आप अपनी जो है ना निश के अकॉर्डिंग जो है ना कीवर्ड रिसर्च करके मुझे बना ले आप टेन कीवर्ड जो है ना वो उसकी रिपोर्ट बना ले रिसर्च करके इन दोनों चीजों को इन दो टूल्स को यूज करते हुए जो कि मैंने आप अभी अभी, अभी आपको बताया ठीक है थीके? इस तरह की रिपोर्ट जो है ना आपने वो बना के अब कोई भी निश जो हेल्थ पे ले लें टेक्नोलॉजी पे ले लें लाइफ स्टाइल पे ले लें अः डेकोर पे ले लें कुछ भी ले लें ठीक है तो वो आपने जो है वो करनी है व्हाट्सएप ग्रुप uh, जो है वो आपको अलाउ हो जाएगा ठीक है आप लोग कर सकते हैं और इसमें अगर इस लेक्चर में कोई भी ऐसी चीज है जो, आपकी हो गए, जो आपको जो रह गई है और क्योंकि अब क्लास का टाइम हो गया ओवर आपने टेंशन नहीं लेनी हम इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे आपके जो क्वेश्चन है उसको भी मैं वहां सॉल्व कर दूंगी और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके पास है ठीक है अब I am giving you my best. I will try my level best कि मैं आपको जो हमारी आउटलाइन है उससे एक्स्ट्रा चीजें जितना हो सकता है ना मैं आपको बताऊँ जितना मैंने अपनी जर्नी में सीखा है so what I need from you is your dedication, your dedication to your work, your sincerity. Cooperate कोपरेट की कीजिए मेरे साथ अपने क्लास फेलोज के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के परस्पेक्टिव की रिस्पेक्ट करें ठीक है एंड आई जस्ट हैव अम्पलीट बिलीव इन माई स्टूडेंट इन यू class. कि यू विल मेंटेन डिसिप्लिन और ठीक है आ, फिर अल्ला हाफिज इनशा हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई भी चीज हो योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम ठीक है रीडिंग मटेरियल और एड मटेरियल रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी इसके अलावा अगर आप मुझे कह रहे हैं ना जो चीजें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया है, मैं उसको एक काम करूंगी कि उसकी जो पीपीटी स्लाइड्स है ना वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी इन केस कोई भूल जाए तो फिर वो वहां से कंसल्ट कर ले ठीक है ओके अल्लाह हाफिज